संसद की लड़ाई सड़क तक आई। कल राज्यसभा में पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। ऑपोजिशन को जनता ने बार बार सबक सिखाया है, फिर एक बार जनता उनको सबक सिखाएगी। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, ये डर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिस प्रकार का व्यवहार किया। संसद में विपक्ष का हंगामा स्क्रिप्टेड। That we will not allow the house to run, and that was amply made clear. उसको पूरा खुलासा कर दिया टीएमसी वाले ने और कांग्रेस। This session is meant for washout. विपक्ष को मुद्दों से नहीं, मोदी से परेशानी। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद में हंगामा जोरदार, कौन जिम्मेदार? अभी मार्शल कहे या आपके भाड़े के कट्टू कहे, सांसदों के ऊपर छोड़ने के लिए आपने यहाँ लाए। अब जिस प्रकार से एक महिला मार्शल का सामने आया है, जिस प्रकार से गला पकड़ा एक पुरुष मार्शल का, क्या उस सबको वो एंडोर्स करते हैं? क्या एंडोर्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करने देना अपने मेंबर्स को? संग्राम @संसद। संसद में संग्राम खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शल्पा रावत। संसद का मानसून सत्र हंगामे और शोर शराबे के साथ खत्म हो गया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि संसद का सत्र पहले खत्म किया, विपक्षी आवाज दबाने की कोशिश की गई और मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। संसद का संग्राम विपक्षी पार्टियां सड़क तक लेकर आई। विपक्षी पार्टियों ने पैदल मार्च निकाला और राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात की। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाने वाले विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। हंगामा, शोरगुल, आरोप प्रत्यारोप, सदन की मर्यादाओं को तार तार करने वाले आचरण की कई घटनाओं के साथ संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया। मानसून सत्र में ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन स्वस्थ चर्चा नहीं हो सकी। सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम चलता रहा, जो आखिर में संसद से सड़क तक पहुंच गया। संसद में संग्राम खत्म हुआ तो विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर गई। आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाई, सरकार ने सदन में उनके आवाज को दबाने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियां सड़क पर एकजुटता दिखाई, ऐसे में सरकार ने भी मोर्चा संभाला और विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया गया। सरकार ने सदन में विपक्षी पार्टियों के हंगामे को पहले से तय बताया और विपक्षी पार्टियों के आचरण को शर्मनाक करार दिया। जब सत्र चल रहा था तो विपक्षी पार्टियां संसद में हंगामा कर रही थी। सत्र खत्म हो गया तो संसद में चर्चा न करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। अब विपक्षी पार्टियां सड़क पर भी इस मसले पर एकजुटता दिखा रही हैं। पहले विपक्षी पार्टियों ने सुबह केंद्र के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक की। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की करीब 15 पार्टियों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला।
संसद परिसर में मौजूद गांधी स्टैचू के पास से निकाले गए इस मार्च के जरिए विपक्ष ने मॉनसून सत्र को वक्त से पहले खत्म करने, चर्चा न कराने का विरोध किया। वाइस चेयरमैन को तो खो रहा है, चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि चेयरमैन ने सदन को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया। जवाब ये तस्वीरें ही दे देंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही क्यों बार बार स्थगित करनी पड़ी। बात करना चाहता हूं। वैसे विपक्ष की इस एकजुटता और आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार भी सामने आई। एक नहीं, दो नहीं, आठ मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर सवाल का जवाब दिया और सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया विपक्ष मुद्दों पर चर्चा चाहता ही नहीं था, उसका मकसद सिर्फ हंगामा करना था। They try to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग दैट मुझे इसी घटना में घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। तो संसद क्यों नहीं चली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारे देश ने देखा। लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने तीन चार उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकियों को कुछ नहीं दिया। सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। और यही नतीजा है, इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा। मामला राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू तक भी पहुंचा। सरकार और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने आज राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात कर अपना अपना पक्ष रखा। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में मार्शल्स ने महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही का एक वीडियो सामने आया है जिसको देख कर ये लगता है कि सच्चाई तो आखिर कुछ और ही है। साझा मार्च के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इसमें शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और राम गोपाल यादव जैसे नेता शामिल रहे। राज्यसभा चेयरमैन से विपक्षी नेताओं ने सदन में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की शिकायत की। वेंकैया नायडू को बताया गया किस तरह मार्शल सदन में घुसे और उन्होंने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। किन आंखों देख की हालत तो हमको मालूम है ना। देखिए, हम ये चाहते हैं किसने लाया इतने लोगों को अंदर, महिलाओं को, मार्शल को भी, और जो अदर देन हमारे नॉर्मल मार्शल से, उनको छोड़ के किस किसने लाया, क्यों लाया, किस वजह से लाया। विपक्ष में सदन ने मार्शलों पर जिन सांसदों के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए, जी न्यूज पर कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी ने भी सदन में मार्शलों पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए। धक्का मुक्की हुआ, आप देखे कितने 100-150 जितने सांसद नहीं उससे ज्यादा मार्शल वहाँ पे खड़े थे। एक महिला मार्शल थी, उसको हम लोग हटा रहे थे तो पुरुष मार्शल हमको धक्का दिए, ये हमारी सांसद गिर गई। दो महिला मार्शल थे सामने, हमने उनको थोड़ा सा ऐसे ही हटाने का कोशिश किए, पर वहाँ पुरुष जो मार्शल थे उन लोग वो हमें धक्का दिया और हम गिर गए, जिसके तहत हाथ में मेरे को 3-4 जगह चोटें आई हैं। लेकिन एक वीडियो के सामने आने के बाद कहानी बदली बदली नजर। इस वीडियो में सांसद भी मार्शलों के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो जरूर दिखाइए जहां पर कांग्रेस की महिला सांसद सिक्योरिटी के लोगों को गले से खींच रही है। वो सांसद जो टीवी को खींचने का काम कर रहे हैं और जिस तरह की बोलबाणी, जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह का हंगामा सदन में किया गया, ये लोकतंत्र के इतिहास में सबसे
निम्न स्तर पर ले जाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस और कुछ विपक्ष के दलों ने किया है। विपक्ष ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि यह संसद का सत्र नहीं था और राज्यसभा की तुलना भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कर डाली, जिसका जवाब सरकार ने दिया। तो आपने मार्शल को बुलाया और कितनी फौज, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हम खड़े हैं, ऐसे बॉर्डर खाली फेंसिंग लगाना बाकी था बस और बंदूक लाना बाकी था। कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिस पे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। कुल मिलाकर सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा हुआ। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ओबीसी बिल को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी सांसद संसद चलने देने के मूड में नहीं दिखाई दिए। पेगासस, किसान बिल जैसे मुद्दे खूब उठे लेकिन चर्चा नहीं हुई। फिलहाल देश ने यह सब कुछ देखा और समझा भी उनके टैक्स के पैसे कहां और किस तरह बर्बाद किए जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।